बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन का कीमा। बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर किचन कोकनी बाइट्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ज़ैनब कोंडकरी, स्वागत है आपका हमारे किचन में। हमने एक पैन गरम कर लिया, उसमें दो बड़े चम्मच ऑयल गरम करके उसमें हमने दो मीडियम साइज़ की अनियन को बारीक चॉप करके ऐड कर लिया। अनियन को हम लाइट ब्राउन होने तक सौते कर लेंगे। तो जब तक अनियन सौते हो रहे हैं, हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें लगने वाला है एक चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच धनिया और आधी चम्मच जितनी काली मिर्च लगेगी हमें। इसमें एक पिंच का ये जायफल का टुकड़ा है, इसे हम ऐड कर लेंगे। और एक इलायची, हरी इलायची, इन सभी को हम दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सर में इस तरीके से। अनियंस हमारे हल्के ब्राउन होने आए हैं, तो अब हम इसी मिक्सर जार में हरा धनिया और तीन से चार हरी मिर्ची ऐड करके इसे भी पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हमने दो से तीन चम्मच पानी ऐड किया था। इस तरीके से हम इसे पीस लेंगे। जो अब हमारा ड्राई मसाला था वो भी हम इसमें ऐड करके एक बार इसे मिक्सर में घुमा लेंगे। तो अनियंस हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं, हमें इसका बेरिस्ता नहीं करना है। अब इसमें हमने ऐड किया है एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन चम्मच पानी डालकर इसे भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब इसमें हमने ऐड किया है कीमा, चिकन का कीमा। ये पाव किलो है चिकन का कीमा। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से अनियंस के साथ। अब इसमें हमें ऐड करना है टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, एक छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे इसमें। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे और इन सभी को मिक्स करके ढककर हम रख देंगे स्लो गैस पर 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हमारा जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था, हरा पेस्ट, वो हम ऐड करेंगे इसमें। ये बहुत ही लजीज बनता है कीमा, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। इस रमज़ान में, सहरी में ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे दो, ये पेस्ट डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो ये हम पानी ऐड करेंगे मिक्सर में, जो बचा हुआ मसाला था उसी में हम पानी ऐड करके उसे अच्छी तरीके से क्लीन करके ऐड कर लेंगे, ताकि कोई भी मसाला वेस्ट ना हो। तो अगर आपको और डार्क कलर चाहिए होगा कीमे का, तो आप इसमें ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं एक पिंच। हमने अब इसमें ऐड कर लिए मटर, फ्रोजन थे हमारे। अब इसे हम ढककर रख देंगे ताकि इसका तेल अच्छे से ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से कुक हो जाए। तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें लास्ट स्टेप ऐड कर लेंगे, सोया की भाजी बारीक चॉप करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे सारा। इसी स्टेज पर हम इसका नमक वगैरह चेक कर लेंगे। अगर अब इसमें हमने हाफ ग्लास जितना पानी ऐड किया है, मिक्स करके इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ज़रूर ट्राई करना हमारी इस रेसिपी को, अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।